So let's start our class. Again, good morning to all of you. This is your EVS subject class, the EVS subject book. Okay, just bring your book. Today we are going to start the new chapter. Okay, just open page number 9. Page number 9 of your book. Okay, just open page number 9 of your book. Yes, the chapter is understanding my body. Body, we will हम try कर रहे हैं अपनी body को एकदम fit रखने की, immune रखने की, so that हमें कोई problem नहीं हो, है ना? इस time तो body की बहुत care कर रहे हैं ना, हम अपने health की बहुत care कर रहे हैं. तो chapter भी बहुत अच्छा आया है. कौन सा chapter आया है? Understanding my body. खुद की body को कैसे समझना है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन से एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं, कैसे हम बॉडी को फिट रखें, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 9. दोज हु डिडंट हैव द बुक, यू कैन सी ऑन द कैमरा. ओके, बुक किसके पास नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड्स. बुक किसके पास नहीं है, हैंड रेज कीजिए. सबके पास है बुक, एवरीवन हैव द बुक. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल द नेम वन बाय वन, यू विल रीड द चैप्टर. ओके, मैं जिसका नेम लूंगी वो चैप्टर की रीडिंग करेगा. अंडरस्टूड? चैप्टर में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट मीरा. मीरा क्या कर रही है, मीरा इज लुकिंग एट हरसेल्फ. मीरा जो है, जस्ट लुक एट योर पेज, मीरा इज लुकिंग एट हरसेल्फ इन द मिरर. मीरा क्या कर रही है, खुद को मिरर में देख रही है. इज देयर समवन एल्स जस्ट लाइक मीरा, मीरा के जैसा क्या कोई और है? नो, आप सब भी बहुत स्पेशल हो. अगर आप खुद को मिरर में देख रहे हो तो क्या आपके जैसा कोई और भी है इस वर्ल्ड में? आप स्पेशल हो, आपसे मिलता जुलता कोई हो सकता है, बट नो वन इज जस्ट लाइक सेम यू. आपके जैसा सेम कोई नहीं हो सकता, है ना? यू आर स्पेशल. इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि आप बहुत, हर कोई बहुत स्पेशल होता है. हर चाइल्ड, हर पर्सन बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसके जैसा वर्ल्ड में दूसरा कोई नहीं है. नो वन एज लाइक मीरा, शी इज स्पेशल. मीरा इज वेरी स्पेशल, क्योंकि मीरा के जैसा और कोई नहीं है. यू ऑल चाइल्ड आर वेरी स्पेशल. यश, प्रत्याक्षा, रचित, दृष्टि, अक्षिता, यू ऑल आर वेरी स्पेशल. जो ऑनलाइन नहीं है वो भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि उनके जैसा कोई दूसरा और नहीं है. ठीक है, यू हैव अ वंडरफुल बॉडी दैट कैन डू लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क. आपकी बॉडी अलग अलग वर्क करती है. हैंड्स आपके होल्डिंग के काम आते हैं, आईज टू सी, ईयर्स टू हियर, नोज टू स्मेल, माउथ टू स्पीक, टंग टू टेस्ट, है ना? आपने पढ़ा है ना डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स? आईज टू सी, ईयर्स टू हियर, नोज टू स्मेल, माउथ टू स्पीक, टंग टू टेस्ट, हैंड्स टू होल्ड, है ना? तो लेग्स आपके किस वर्क में आते हैं, वॉक करने की वर्क करते हैं, है ना? तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे. हमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स, आईज से क्या आप हियर कर सकते हो, सुन सकते हो आंखों से? नो, आईज क्लोज कर दो तो क्या ईयर्स से सुनाई देता है, दिखाई देता है? नो, नोज बंद कर दो तो क्या आईज से स्मेल कर सकते हो? नो, हर बॉडी पार्ट का डिफरेंट फंक्शन होता है. आपकी बॉडी बहुत स्पेशल है, बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जिनसे हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं. हैंड से होल्डिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, लेग से वॉक करते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी में काम आता है. ओके, सी द पिक्चर. आई कैन स्किप, अ बॉय इज स्किपिंग. क्या कर रहा है बेबी? स्किप कर रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ हिज फीट. फीट की हेल्प से क्या कर रहा है? स्किपिंग कर रहा है. आई कैन जंप द बॉल. बॉल से क्या कर रहा है बेबी? जंप कर रहा है. क्या कर रहा है ये बॉय? जंप. आई कैन फीड अ पप.
पप को क्या करा रहा है, फीड करा रहा है, अ पप इज फीडिंग अ मिल्क, है ना, मिल्क पी रहा है। उसके बाद आई कैन राइड अ बाइक, बाइक को राइड, साइकिल को, बाइसिकल को राइड करने के लिए लेग का यूज होता है, फीट का यूज होता है ना। आई कैन ड्रेस माई डॉल, डॉल को ड्रेस वियर करवाने के लिए हैंड का यूज होता है। इफ यू वॉन्ट्स टू प्ले तो आप अपने हैंड का यूज करके प्ले करते हो, है ना, लेग का यूज करके प्ले करते हो, शोल्डर्स में भी वेट पड़ता है ना। I can make a greeting card. If you want to make a greeting card, you'll use your hands. Greeting card बनाने के लिए हम इस चीज का use करते हैं, hands का use करते हैं, है ना, fingers का use करते हैं, pencil use करने के लिए finger use होती है ना। So different body parts, different चीजों को work करने के लिए use होता है। इसमें कितनी चीजों का है use बताया? Skipping में आपके hand use हो रहे हैं रोप को पकड़ने के लिए, और आपके फीट यूज हो रहे हैं जंप करने के लिए, बॉल में जंप करने के लिए लेग का यूज हो रहा है, पपी को फीट कराने के लिए आपके हैंड्स का, आईज का आपको देखना पड़ रहा है फीट कर रहा है कि नहीं, बाइक राइड करने के लिए हैंड्स का भी यूज हो रहा है, लेग का भी यूज हो रहा है, आपके वेस्ट का भी यूज हो रहा है, कमर का भी यूज हो रहा है, बैक साइड में भी आप प्रॉपर बैठे हुए हो कि नहीं। देन ग्रीटिंग कार्ड मेक करने के लिए आपके हैंड्स का प्रॉपर यूज हो रहा है, फिंगर का प्रॉपर यूज हो रहा है। तो हर बॉडी पार्ट अलग अलग रोल प्ले कर रहा है ना, और हर बॉडी पार्ट की अलग अलग रोल प्लेइंग एक्टिविटीज है ना। जस्ट टर्न द पेज, एवरीवन जस्ट टर्न द पेज ऑफ योर बुक, ओपन पेज नंबर 10। लुक अराउंड एट योर क्लासमेट वंस मोर, एक बार अब अपने क्लासमेट्स को देखिए, दिख रहे हैं ना सारे क्लासमेट्स स्क्रीन पे, जस्ट सी योर क्लासमेट्स, ऑल ऑफ देम हैव अ बॉडी लाइक योर्स, हर किसी के पास बॉडी सेम होती है, सबके पास आईज होती है, सबके पास ईयर्स होते हैं, सबके पास नोज होते हैं, सबके पास माउथ होते हैं, है ना, बॉडी सबकी सेम होती है, लेकिन हर पर्सन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, उसकी शेपिंग अलग अलग होती है, फ्रेमिंग अलग अलग होती है, होता सबके पास सेम है, आईज भी होती है, नोज भी होते हैं, हैंड्स भी होते हैं, लेकिन किसी के हैंड्स अलग होते दिखते हैं, किसी के हैंड्स अलग दिखते हैं, किसी का फेस अलग दिख रहा है, एक का फेस दूसरे जैसा नहीं होता ना, इसलिए ऑल ऑफ देम हैव अ बॉडी लाइक योर्स, एवरीवन हैज वन हेड, सबके पास एक हेड होता है, क्या किसी के पास टू हेड होते हैं नहीं होते, एक ही हेड होता है ना सबके पास, क्या किसी के पास थ्री नोज होती है, एक यहाँ होती है, नो, क्या किसी की नोज यहाँ पे होती है, नो, है ना, माउथ यही पे होता है, किसी का माउथ यहाँ पे होता है क्या, होता है नहीं होता, तो हर चीज एक प्रॉपर प्लेस में होती है, उसकी प्लेसिंग प्रॉपर होती है, आईज सबकी यहाँ पे होगी, नोज यही पे होगी, माउथ यही पे होना है, ईयर्स यही पे होने हैं, ठीक है, तो प्रॉपर प्लेसिंग में प्रॉपर चीजें होती है। टू आर्म्स, सबके टू आर्म्स होते हैं, दिस इज योर आर्म्स ना, ये आपके आर्म्स है ना, दिस वन इज योर आर्म पोर्शन, ठीक है, एंड टू लेग्स, सबके टू लेग्स होते हैं, एवरीवन जस्ट स्टैंड अप, शो मी योर लेग्स, स्टैंड अप फास्ट, बैठ जाते हो तुम लोग उठ नहीं पा रहे हो ना, आराम से बैठे हैं सब। So every body part is very special, ठीक है? Next para is my body from outside. Outside से body part क्या है, ठीक है? Your body is like a machine. आपकी body जो है, it is like a machine. Machine की जैसे work करती है. When you look at in the mirror, जब आप खुद को मिरर में देखते हो, you see many parts of your body. आपको मिरर में देखते हो तो आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट दिखाई देते हैं ना, आईज, नोज, हेयर, ईयर्स, माउथ, स्माइल करते हो तो स्माइल दिखाई देती है ना, the body parts that you can see, जो body parts आपको दिखाई देते हैं, that body parts are called external organs. तो क्या बोलते हैं? External body organs. जो body parts हमें दिखाई देते हैं, that body parts are called
external body organs. Okay. Yes. So those body parts are called external body parts. ठीक है? क्या हमें अंदर का लीवर दिखाई देता है? लीवर इज विजिबल? नो. किडनी दिखाई देती है? नो. नहीं दिखाई देती. ब्रेन दिखता है? नो. है ना? सिर्फ एक्सटर्नल चीजें दिख रही हैं. हैंड्स दिख रहे हैं, शोल्डर्स दिख रहे हैं, फिंगर्स दिख रहे हैं, नेल्स दिख रहे हैं, है ना? जो चीज विजिबल है दैट इज एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स. अगर कोई पूछता है नेम एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, तो आप नेम्स बताओगे. आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, हैंड, शोल्डर. लेकिन अगर समबडी आस्क कि व्हाट आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, नहीं, कौन कौन से चीजें जो बाहर दिखते हैं बॉडी पार्ट्स, उनको कौन से बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं, द बॉडी ऑर्गन्स व्हिच इज विजिबल दैट आर कॉल्ड, तो आपको क्या बताना है? एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स. क्या बताना है? एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स. और अगर ये पूछता है कि नेम द बॉडी ऑर्गन्स व्हिच आर एक्सटर्नल, तो आपको नेम्स बताना है. ठीक है? जब मैम नेम्स पूछेंगी तो नेम्स बताने हैं. जब मैम पूछेंगी उनको क्या बोलते हैं बॉडी ऑर्गन्स को जो विजिबल होते हैं, तो आपको एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स बोलना है. ओके, अंडरस्टूड? वेरी केयरफुली. ओके, नाउ व्हाट्स योर टुडेस टास्क? सी, सी दिस पेज. पेस्ट योर फोटोग्राफ. आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करनी है. ओके, राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स यू कैन सी. फोटोग्राफ में जो भी बॉडी पार्ट्स आपको विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं, उन बॉडी पार्ट्स के नेम्स लिखने हैं यहाँ पे. ठीक है? एक फोटोग्राफ पेस्ट करनी है आपको आपकी, और फोटोग्राफ में जो भी बॉडी पार्ट्स विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं, आईज, नोज, ईयर, माउथ, जो भी दिख रहा है, उसकी नेम्स लिखने हैं आपको यहाँ पे, नेमिंग करनी है. समझ में आ गया? आपको आपकी खुद की फोटोग्राफ लगानी है इस बार. ठीक है? सेल्फ फोटोग्राफ पेस्ट करके और यहाँ पे उनकी बॉडी पार्ट्स जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जो विजिबल है, उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है. अंडरस्टूड? तो दिस इज योर टुडेस टास्क. आज का आपका क्या है? ये टास्क है. समझ में आ गया सबको अच्छे से? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड डे. कीप सेफ एट योर होम. बाय बाय स्टूडेंट्स. टेक केयर. डू द वर्क. क्लिक द पिक्चर एंड सबमिट मी द ग्रुप. ओके, विद योर नेम्स. नेम्स लिख के सबमिट करना है. ओके, थैंक यू.